करवाने का तरीका मैंने आपको बताया, आप ऐसे ही यूज करवाएं, ये आप 100 ग्राम के हिसाब से आप देंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपके जान। खत्म, टाटा बाय बाय। ओए होए होए होए, ये देखें गाइस, ये रात को लगता है गेड़ी का जो पाँव है ना, थोड़ा सा एंजॉय करें ये भी। ये बैठी हुई है दो, इनका मेल लेना है ये हमारे पास। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू अदर व्लॉग। उठे हैं, फ्रेश फ्रूश हो गए हैं। फ्रेश होने के बाद ये नाश्ता तो आपको पता है, आपका भाई जो है 2 बजे से पहले करता नहीं है। कुछ पूछा मैंने कुछ? तो नाश्ता इंशाल्लाह अभी करेंगे चल के। अभी हम जो है ना जा रहे हैं फार्म पे पहुंचते हैं, वहाँ पे देखते हैं फार्म की क्या पोजीशन है। मगर आज हमारा जो इरादा बना हुआ है ना, वो अलीपुर हेड का बना हुआ है। वहाँ पे हमने कहा मच्छी शच्छी खाएं, मौसम बड़ा बेहतरीन लग रहा है मुझे, तो मैंने कहा आज वेदर एंजॉय भी करें और साथ साथ जो है ना बाहर चले। तो फिलहाल तो अभी हम उठे हैं, उठने के बाद फार्म पे चल के आपको दिखाते हैं। तो आज का व्लॉग जो है ना इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने आज जुड़े ही रहना है, आपने आज का व्लॉग पूरा देखना है। फिर ना कहिएगा कि यार हमने तो ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। तो फिलहाल जो है ना, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो है फार्मिंग को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और जबरदस्त व्लॉग आप लाइक करते रहें। हाँ जी, तो ये फार्म के लिए हमने कहा थोड़ा सा मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लें, ये मिनरल्स वगैरह जो होते हैं हमारे ख़त्म हुए पड़े थे, तो बफर वगैरह भी साथ देना पड़ता है भाई जान। जो आपके मिल्किंग वाले जानवर होते हैं ना, उनको आपने ये लाजमी देना है, ये ख़त्म नहीं होना। ये हमारा एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत हम ये बना रहे हैं। इसमें हर चीज़ हम 5-5 किलो के हिसाब से डालते हैं, ताकि ये हमारा मिक्सिंग हो जाए। और शाम के टाइम जो है ना जानवरों को सबस चारे के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं अभी आया था, यहाँ पे ब्रेक लगी है मेरी अचानक से, तो मैंने कहा यार ये भी लेता जाऊँ, ये ना हो कि फिर शाम को फिर जो है ना भूल जाते हैं हम जो है ना, वो भी जानवरों का मिनरल जो था वो ख़त्म हुआ पड़ा है। तो इसलिए ये अभी हमने, ये देखें 5 किलो DCP हमने इसमें डालना है, ये 4.5 किलो DCP है। इसमें मैंने कहा मिनरल ऐड कर लें, कुछ बफर है, कुछ टॉक्सी बाइंडर है, तो ये हमने कहा ऐड करवा लें, लेते ही जाएं। ये भाई लोग हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, इनको फ़ोन करके कह दें तोल के रख दे, तो ये तोल के रखते नहीं हैं, ये हमसे ज़्यादा बड़े वज़ीर आज़म साहब हैं। तो ये देखें, ये मिनरल का कमाल चेक करें, ये LS मिनरल यूज़ कर रहे हैं हम, ज़बरदस्त वाइट कैल्शियम DCP और साथ मिनरल। पीने का मकसद ये है कि जो आपका जानवर मिल्क वाला है ना, उसमें ये है कि वो हीट में भी जल्दी आ जाएगा, मिल्क की प्रोडक्शन भी अच्छी करेगा और अपना खाना पीना भी बेहतरीन रखेगा, और उसको मस्टेटस का मसला नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें यूज़ करने से मस्टेटस का मसला नहीं आता। तो ये है जी हमारा बफर, ये देखें बफर बोलते हैं मीठे सोडे को, ये कंपनी का है माशाल्लाह, ज़बरदस्त यूज़ कर रहे हैं ये। आम आपने मार्केट में भी देखा होगा देसी, मगर देसी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये ज़रूरी है। ये कंपनी ने जाहिर सी बात है जो बना के दिया हुआ है, वो इसलिए बना के दिया हुआ है कि यार जो जो जानवर है ना अपना खाना पीना भी बेहतर करें, और उसमें ये है कि जो गजाइत उनको हाजमा करने की होती है ना, वो ये बफर उनके मैदे को फिट फाट ज़बरदस्त रखता है, जिससे ये अपना खाना पीना भी ज़बरदस्त रखते हैं और फिट फाट। तो ये देख लें हमारी जो डोजें हैं सारी 5-5 किलो की हैं, ये हम एक फार्मूला बना के रख लेते हैं। लोग कहते हैं जी 100 ग्राम दें, 50, नहीं जी हमें कोई पता नहीं है 100 ग्राम देना या 50, हम इनको बना के रख देते हैं। और शाम के टाइम 2 किलो के हिसाब से पूरे सबस चारे के ऊपर शाम को छट्टा मार देते हैं, ताकि सब जानवर खाएं, ये नहीं कि आप एक जानवर को दें और बाकी मुँह उठा के खड़े रहें, ऐसे नहीं होता, सब जानवरों को बराबर देना पड़ता है। तो ये है जी हमारा टॉक्सी बाइंडर, ये देखें टॉक्सी बाइंडर, ये टॉक्सी बाइंडर का कमाल तो यही हो गया ना कि भाई जान आपके जानवर में स्टेटस का मसला नहीं आएगा।
तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। ये देख लें ब्लैक शेप में होता है, ज़बरदस्त, ओए होए कमाल की चीज़ है। तो यही है भाई जान, एक किलो 1500 रुपये किलो है। तो ये देख लें भाई जान, देख लें 1500 रुपये किलो का सद है कि जानवरों में वही बादी का मसला। तो गाइज ये देख लें, इस प्रोडक्ट में ना हम एक वाइट गोल्ड का डब्बा भी मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है दानेदार फॉर्म में, ये जानवर के अंदर चला जाए तो ज़बरदस्त समझ लें इसका रिजल्ट है। ओए होए होए होए, ये देखें गाइस, ये रात को लगता है गेड़ का जो पाँव है ना नीचे से टूट गया है, तो ये तो अब लंगड़ा हुआ खड़ा है, इसको अब बनाना पड़ेगा फिर से। तो ये बस समझ लें कि डेली आएँ और एक ना एक गेड़ आपने बनाना है, यही काम चल रहा है भाई जान फार्म पे, यही कुछ और कुछ नहीं चल रहा। आए हैं तो भाई देखा है तो कोई पाइप इधर है, कोई जानवर इधर है, कोई उधर है, समझ नहीं आ रहा चाल क्या रहा है। या तो ये हमारे मुलाजिम लोग नशा पी के सोते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। मकसद है फार्मिंग में आपने डेली आना है और डेली ही काम करना है, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। ये हमने कल कीचड़ वगैरह हुई पड़ी थी जिसकी वजह से हल वगैरह मारा, हमने कहा मच्छर वगैरह ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो ये फिलहाल इजी फिल हैं, शावर चला देते हैं इनके। थोड़ा सा इंजॉय करें ये भी। दो दिन चार दिन पहले ना एक जगह से हम अपने फार्म के लिए जो है ना दुम्बे वगैरह बोलते हैं या भेदें बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर हम ले आए हैं। ये देखें ये बैठी हुई हैं दो, इनका ये मेल लेना है, ये हमारे पास दो फीमेल हैं। तो ये बर्बरी खड़ा हुआ है, ये इनकी बाहर वाला सेटिंग है जहाँ पर ये बैठते हैं बाहर। फिलहाल फ़ैन को भी चेक करते हैं, आई थिंक बंद हुआ खड़ा है, फ़ैन बंद हुआ खड़ा था। तो ये जी हमारे पास दो दुम्बे लेके आए हैं पहली दफ़ा, लेटेस्ट लीडिस चीज़ जिसको बोलते हैं, लेटेस्ट बोलते हैं लीडिस बोलते हैं ये। क्या बोला तूने? दो बकरियां भी साथ मिली हैं हमें। ये हमारा हिरन बैठा हुआ है छोटा सा जो पिस्तू बाहर फेंकता रहता था। ओए होए होए, कीचड़ चेक करें कितनी हो गई है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिन हो गए हैं धूप लगी हुई है, थोड़ा सा सूख जाए इसमें, फिर हल वगैरह मारेंगे, रूटर वगैरह मारेंगे ताकि इनको खोल दें हम भी ज़बरदस्त, ताकि ये जो है ना नरम हो जाए। जानवर जो है ना इस टाइम अपने एक शेड में तो अपनी जगह पर तो बैठे हुए हैं, मगर उनके लिए भी जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, खुली जगह चाहिए उनको। तो ये भी हमारा बाहर वाली जो बकरियाँ थी इनको हमने बाहर शिफ्ट किया हुआ है, शाम के टाइम अंदर करते हैं दिन में बाहर। और ये जो देसी माल है इसके नीचे भी काफ़ी सारा वो हो गया था कीचड़ राफड़ वगैरह, तो वो तो बेहतर हो गया, सूख गया इस टाइम। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये हमारी जो अंदर वाली छोटी ब्रीड थी ये वाली, ये 2-3-4 खड़ी हुई हैं, इनको भी हमने बाहर इधर ही शिफ्ट कर दिया। वो देखें, या तो जानवर समझदार हो गया है या तो हमारे बंदे पागल हो गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कहाँ से निकलना है कहाँ से जाना है। अभी बंदा कोई नहीं है, बंदा साथ होता तो मैं फिर उसको जो है बाहर निकालता। फिलहाल अब अकेला बंदा हूँ तो मैं राड उठाऊँ क्या क्या करूँ। तो फिलहाल अभी जानवर अपनी खुराक तुराक खा रहे हैं, तो इनको खाने दें, वो आ जाए फिर देखते हैं। खत्म, टाटा बाय बाय।
गेट खोली, ये यहाँ था, खोल गेट खोल, बांध रख बांध रख बांध रखे हम दी भी चिट्टी को बैठा है भी दुनिया या कहीं गेट ना खोली ना खोली खोल खोल खड़ी खड़ी तेरे बाल ये बांध रख ओंदर वन फाइव ओंदर वन बुनाल खुले थी भाई ये हाल है कि हमारे मिल्किंग वाले जानवर उस साइड पे खड़े हुए थे और बगैर मिल्किंग वाले इधर। अभी जो है ना हमने इनकी सेटिंग कर दी है, हर किसी को अपने पोर्शन में डाल दिया है। अभी मिल्किंग वाला अंदर चला गया। हाँ जी, तो गाइज ये देखें, ये जो हमने मटेरियल मिक्स करवाया था ना, इसका देने का मकसद ये है कि ये जो जानवर आपके बाज़ औकात गर्मियों में हीट में नहीं आते, तो ये चीज़ आप अपने जानवरों को डेली बेस के ऊपर सब्ज़ चारे के ऊपर इस्तेमाल करवाते रहें तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हीट में आ जाएंगे। तो हीट में लाने का सबसे बेहतरीन फार्मूला यही है कि आप अपने जानवरों को डेली बेस के ऊपर ये ऐसे सब्ज़ चारे के ऊपर मिक्स कर दें ताकि जो जानवर हैं वो सुकून से जो है ना अपना खाएं। तो ये जी अपने जानवरों को लगातार 10 दिन दें आप बेहतरीन तरीके से, तो ये देख लें कि आपके जानवर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हीट में आ जाएंगे। ये सब्ज़ चारे के ऊपर जब डल जाएगा तो ये खुद ऑटोमेटिकली खाते रहेंगे, आपको भी महसूस नहीं होगा कि इसमें 100 ग्राम खाया है या 50 ग्राम खाया है। तो ये डेली बेस के ऊपर शाम के टाइम 2 किलो आप डाल दें जानवरों को, सुकून से वो खाते रहेंगे। हाँ जी, तो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया, आज जो आपके जानवरों के मसला आता है हीट का, जो हीट में नहीं आ रहे होते प्रॉपर, तो उसमें आप ये मिनरल वगैरह यूज़ करवाएं। उसमें जैसे यूज़ करवाने का तरीका मैंने आपको बताया, आप ऐसे यूज़ करवाएं। ये आप 100 ग्राम के हिसाब से आप देंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपके जानवर खा रहे हैं नहीं। सब्ज़ चारे के ऊपर ऐसे मिक्स करके डेली बेस पे देते रहें आप उसको जानवर को, आपके जानवर को 50 ग्राम मिले या 100 ग्राम मिले, पर डेली बेस पे उसको मिनरल मिलता रहेगा, जिससे उसकी जो मिनरल डेफिशिएंसी जो कम होती है ना वो उसकी पूरी कर देगा, जिससे वो जानवर आपका प्रॉपर हीट में भी आना लग जाएगा। तो आज का व्लॉग का मकसद यही था कि आपको जानवर हीट में कैसे लाए जा सकते हैं, तो वही मैंने बताना था। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो मेरे जो है फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।